सोलन के शिल्ली गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार करीबन 20 मीटर नीचे लिंक रोड पर जा गिरी। कार में नाबालिग 5 छात्र सवार थे, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सोलन से क्षेत्रीय अस्पताल से PGI रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ये 5 छात्र निजी स्कूल में +2 के छात्र हैं। ये 5 घर से ट्यूशन पढ़ने निकले थे, जिनमें से एक छात्र कार लेकर आया था, तो 5 छात्र गेड़ी मारने के लिए माल रोड से होते हुए जोनाजी रोड पर चले गए, जहां इनकी गाड़ी तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गई और उड़ती हुई एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी। घटना की पुष्टि करते हुए चिकित्सक गुरमेल कुमार ने बताया कि उनके पास 5 युवकों को लाया गया था जो सड़क दुर्घटना में घायल थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। 5 युवकों में से 3 युवक गंभीर रूप से घायल थे। उनके सर पर गहरी चोट लगी थी, जो अचेत अवस्था में थे। उनकी बिगड़ती हुई तबीयत को देखते हुए उन्हें PGI रेफर कर दिया गया है। हमारे पास 5 बच्चे आए जो एक्सीडेंट रोड साइड एक्सीडेंट्स के थे, उनमें से 3 बच्चे सीरियस थे, जो जिनको फर्स्ट एड दे के हमने PGI रेफर कर दिया है। 2 बच्चे जो है वो ठीक है, उनको फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जब स्टेबल होते हैं। जो तीनों है, तीनों अनकॉन्शियस है, उनको सिर में चोटें लगी है और अनकॉन्शियस है, तीनों खतरे